परिवर्तन यात्रा या परिवर्तन, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको परिवर्तन करना है। लोग उब चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 85 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपने खुद ही 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे बता दिया। मैं समझता हूँ कि 110 लोग गरीबी रेखा से नीचे हो। लोगों का महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। गंगा जमुना में लाशें तैर रही और कुत्ते खा रहे हैं सबके सामने। शमशान में लकड़ियां नहीं है जलाने के लिए, एम्बुलेंस नहीं है, लाशों को साइकिल पर ले जाया जा रहा है। ये चित्र जब जाता है टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पे, तो दुनिया हमारे नाम पर हंसती है कि क्या भारतवर्ष में हो रहा है। अरे हल्ला ना करिए। तो 130 करोड़ की जनता अब ऊब चुकी है इनसे, और 2012 से 17 के अखिलेश यादव जी के काम को याद कर रही है। तो इसलिए हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं, और अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों की याद दिलाना है। और बीजेपी ने जो देश को बिल्कुल अंधेरे में ढकेल दिया है उससे मुक्त दिलाना, ये हमारा काम। किसानों का आंदोलन वापस हो गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हम चले और भाजपा